हेलो दोस्तों, मैं ए के एस ऑटोमेशन से अविनाश सिंह आज आपको दिखाने जा रहा हूँ ए के एस 400 पेपर रिम कटर इन ब्लू कलर। बहुत लोग कहते हैं कि वाइट कलर वाला आपका कटर जो है गंदा हो जाता है, निशान पड़ जाते हैं, तो इसके लिए हमने दो वैरायटी और निकाली है, ब्लैक एंड ब्लू। तो ये ब्लू कलर में भी आप परचेस कर सकते हैं, सेम कटर है, सेम सब कुछ दिया गया है। ठीक है, ये आपका हैंडल है, ये आपका हैंडल हमने यहाँ लगा दिया। सेटअप करते हैं, सबसे पहले लॉक से हमने हैंडल को ऊपर कर दिया। अब ये लॉक लग जाएगा तो हैंडल नीचे नहीं जाएगा। बाकी ये लीवर है, लीवर पैकेजिंग के टाइम में आपको इस तरीके से मिलता है, तो इसकी हेल्प हम पहले लीवर को सेट कर लेते हैं। बैक पेज एडजस्टर में आपको टूल पिक मिल जाती है, इसमें दो लंकी की होती है, ये एक आपकी ब्लेड खोलने के लिए होती है और एक आपकी लीवर के लिए। तो ये लीवर वाले से हम लीवर का स्क्रू खोलते हैं। अब इस लीवर को हमको पलट के लगा देना है, इस लीवर के हैंडल को हमने उल्टा करके लगा देना है। वो पैकेजिंग बॉक्स में पैकेजिंग के लिए इस तरीके से दिया गया होता है। आगे बस वन टाइम आपका काम है। अब उसको को टाइट कर लेते हैं एलंकी से। बाकी काम होने के बाद लंकी आपने बॉक्स में रख लीजिए और देख लीजिए। सॉरी, अब देख लेते हैं यहाँ बैक साइड में कैसे किस तरीके का चीज दिखाया गया है। तो यहाँ आप देखेंगे ये आपको एक कवर मिला है, इसलिए गलती से हाथ उतना जाए या ब्लेड के पास, इसलिए कवर होता है। अभी हम डेमो के लिए इसको निकाल देते हैं। प्लास्टिक का कवर, ये आपकी रेड स्ट्रिप दी गई है और ये ब्लेड। इस कटर में जब बहुत ज़्यादा बल्क काम होता है तो ये दो चीज़ बदलनी पड़ती है। एक तो आपकी ब्लेड की अगर धार कम हो जाती है तो एक दो टाइम तो आप इसका धार बदलवा सकते हैं। दूसरी होती है रेड स्ट्रिप, जब बार बार पेपर कटता है तो कुछ समय के बाद ये ख़त्म हो जाता है, तो आपको ये बदलना पड़ता है रेड स्ट्रिप। दो चीज़ों को आपकी ज़रूरत पड़ती है। ब्लेड की धार अगर ज़्यादा कम हो जाती है तो ब्लेड भी बदलना पड़ता है। तो आप इस की हेल्प से और इस कवर का जो जो कवर है लंकी का बॉक्स का, उसकी हेल्प से आप इसको यहाँ हैंडल कर सकते हैं। साथ में हैंडल भी दिया गया है, तो इसको यहाँ लगा के आपको नट खोलने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्रू दिए गए हैं, ये 8 स्क्रू खोलेंगे और इस तरीके से ब्लेड निकल आएगा। तो इसकी हेल्प से आप ब्लेड बदल सकते हैं। बाकी कटिंग होकर आपका पेपर यहाँ निकल जाता है वेस्ट वाला, ये सपोर्ट के लिए दिया गया है ताकि लेंथी पेपर हो तो नीचे जोर ना पड़े, तो यहाँ पे आप इस पर टिक जाता है। ठीक, अभी हम इसको रख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं वीडियो में, पेपर कैसे काटेंगे। जब भी कटर को उठाना हो तो आप इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से कटर को उठा दीजिए। ठीक है, अभी मैं इस तरीके से सेट कर रहा हूँ ताकि आपको सामने से नजर आए कि किस तरीके से पेपर काटा जाएगा। तो ये आप देखेंगे एडजस्टर दिया गया, बैक पेस एडजस्टर। अगर आपको ज़्यादा लगातार काम करना है तो आप बैक पेस एडजस्टर का यूज कीजिए, क्योंकि लीवर खोलने में प्रेस करने में ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर आपको एकदम फिनिश कटिंग चाहिए, 19-20 का फर्क भी चाहिए, तो लीवर से प्रेस कीजिएगा। लीवर से क्या है, ऊपर से प्रेस हो जाता है टाइट तो कहीं भी पेपर भागता नहीं है। ये आपका सिर्फ बैक पेस एडजस्टर होता है कि बैक पेपर भागने को नहीं देता। ठीक, अगर आपका लेंथी पेपर है तो इसको आप पूरा खोल सकते हैं, या दो नट स्क्रू दिए होते हैं नीचे साइड में, वो स्क्रू खोलेंगे तो पूरा निकल जाएगा, तो ये आपका फ्री हो जाएगा। आप जितना लेंथी कितना भी लेंथी पेपर लगा सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आपका 17.5 इंच तक का पेपर ही कटेगा। 18 इंच का ब्लेड होता है, 1.5 इंच की कट हाइट होती है, 400 पेपर तक इसमें आ जाते हैं 70 GSM के। और 18 इंच का ब्लेड है तो 17.5 इंच तक का कटता है, क्योंकि 1/2 इंच ब्लेड एडजस्टिंग में चला जाता है मशीन में। तो आप इसकी हेल्प से आप लीवर को पूरा नीचे और ऊपर कर सकते हैं। अभी देखिए मैं घुमा रहा हूँ तो नीचे हो रहा है, उल्टा घुमाऊंगा तो ऊपर जाएगा। अभी मैं सीट काट के दिखाता हूँ, सैंपल के लिए सीट ले लेता हूँ। इसमें आपको मार्जिन सारे दिए गए हैं, कैमरे में भी नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि कलर इसका डार्क लिया गया है मशीन का, तो इसमें गोल्डन कलर की लाइनिंग मार्किंग दी गई है। आपको क्लोजअप करके दिखाऊँ तो शायद नज़र आ जाए, ये देखिए यहाँ आपको मार्जिन दी गई है B7, B6, A5, B5, A4, B4, A3। ठीक है, सारे साइज है, A3 तक है, तो A3 से है A3 प्लस 17 इंच A3
साइज है, बाकी अपनी सहूलियत के हिसाब से आप वाइट और ब्लैक में भी मंगवा सकते हैं। तो अभी हम इसमें सीट काटने जा रहे हैं, तो ये हमने सीट ले ली, आपने सीट को सेट कर लेना अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग। अभी फिलहाल मैं ऐसे डाल के दिखा रहा हूँ अंदाजे से, क्योंकि मुझे कोई परफेक्ट होनी चाहिए। अब इस लीवर से हम प्रेस कर देंगे, ठीक, ये हमारा सेट हो गया। लीवर ने ऊपर से प्रेस कर दिया, अब ये पेपर हिलेगा नहीं, तो कितना भी तार लगा दे नहीं निकलेगा, ठीक है। बाकी इसमें लॉक दिया गया हुआ है सेफ्टी के लिए, जब तक ये लॉक लगा तो ये हैंडल नीचे नहीं आएगा। जब भी आपको पेपर काटना हो लॉक को प्रेस कीजिए एक मुंह से और हैंडल को नीचे कर दीजिए, तो आपका सिंपली हल्का सा प्रेस करना है और कट जाएगा, कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए ऊपर नहीं जा रहा, तो ऊपर करने के लिए भी आपको लॉक को प्रेस करना है, ऊपर जाने पर छोड़ दीजिए, फिर अटक जाएगा, फिर नीचे नहीं आएगा ये हैंडल यहाँ अटक जाएगा। अब इसको निकालना है कि कटिंग कैसी हुई है। सबसे पहले मैं बैक साइड से कटा हुआ हिस्सा निकाल लेता हूँ, देखिए ये कटा हुआ हिस्सा है, ठीक, इस तरीके से कट गया। अब लीवर को खोलेंगे, अभी भी सीट फ्री नहीं हुई है, तो ये लीवर को घुमाएंगे हम, अभी फ्री हो गया, ये रही आपकी कटिंग। इसमें आप आईडी कार्ड से लेके A3, A4, A5, A6 सब तरह के पेपर काट सकते हैं, A3 तक, A3 प्लस तक। और ये मशीन आपके लेके छोटी शॉप स्टेशनरी शॉप से लेके नोटबुक बनाने वाले, लिफाफा बनाने वाले, कॉपी किताब बनाने वाले, ऑफिस में यूज करने के लिए परफेक्ट है, सब यूज करते हैं, DTP सेंटर वगैरह में भी यूज होती है। तो मशीन को मंगाने के लिए सामने दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे बाकी डिटेल मिल जाएगी। हमारा एड्रेस द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन दिल्ली में है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया हो। मशीन को चाहे तो हमारी वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं, हमारे स्टोर पे भी विजिट कर सकते हैं, ऑल कहीं पे भी आपको ऑल ओवर इंडिया मंगानी है, फ्री शिपिंग के साथ हम प्रोवाइड कराते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं AKS ऑटोमेशन से अविनाश सिंह, जय हिंद।